हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक टॉपिक किया था महेश्वर सूत्र, कि महेश्वर सूत्र क्या होते हैं, है ना। महेश्वर सूत्र मतलब जो पाणिनि जी ने भगवान महेश्वर से जो वरदान मांगा था, उनमें उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना के लिए उपाय बोल रहा था कि मुझे ये बताइए कि मैं कैसे संस्कृत व्याकरण की रचना करूँ। तो महेश्वर जी ने अपना डमरू बजाया और उसे 14 सूत्र यानी कि 14 वर्ण का जो एक वर्णमाला निकाली, उसके अंतर्गत हमने 14 महेश्वर सूत्र पढ़े कि उन डमरू से कौन कौन सी आवाज़ आई। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि प्रत्याहार निर्माण कैसे किया जाता है। सबको पता है कि प्रत्याहार का मतलब, मैंने जो आपको 14 सूत्र बताए, उनका जो लास्ट अक्षर होता है क वाला, मतलब कि जो हलंत वाला होता है, उसको आपको नहीं लेना है, बाकी आपको सारी उसमें गणना करनी है। उसके बाद में आज हम आते हैं कि स्वर क्या होते हैं। तो हमें पता है कि जब हम वर्ण की जानकारी लेते हैं यानी कि वर्णमाला पढ़ते हैं, तो हम 2 तरह के टर्म्स पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन, है ना। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण क्या होते हैं भाई, हमारे क ख ग घ जितने भी हैं, ये क्या है, हमारे वर्ण हैं। अब सबसे पहले आते हैं स्वर। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर। जो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, आप सबको पता है कि स्वर हमेशा अकेले रहते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए, वर्ण को मैंने अच क्यों कहा है, आपको पता है कि जो 4 सूत्र हैं महेश्वर सूत्र के, वो अ से लगाकर च तक, वो सारे क्या है, हमारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए उनको अच कहा जाता है। तो जो स्वर होते हैं वो हमेशा अकेले बोले जाते हैं। आप अ को हमेशा अकेला लिख सकते हो, है ना, लेकिन क को आप ऐसे अकेला नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वो आधा हो जाएगा। तो जो अ, ये स्वर जो है वो मात्राओं के रूप में होते हैं और हमेशा व्यंजन के साथ में लगे होते हैं, और स्वर जो है वो हमेशा अकेले प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्वरों को किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में बिल्कुल 1 मात्रा का समय, मतलब बिल्कुल 1 सेकंड का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। ये संख्या में 5 होते हैं, कौन कौन से, अ, ई, ऊ, री तथा ली, है ना, अ, ई, ऊ, री और ली। आप बोल के देखिए, बिल्कुल 1 सेकंड का समय लगता है। दूसरा आता है दीर्घ स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, 2 मात्रा मतलब थोड़ा सा हल्का ज़्यादा समय लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। ये संख्या में 8 होते हैं, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 8 देखिए, इनको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुँह में जोर पड़ता है, थोड़ा समय लगता है इनको बोलने में, इसीलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, है ना। ऋ ध्वनि का दीर्घ रूप ली केवल वेदों में प्राप्त होता है। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ए, ऐ, ओ, औ 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं। कैसे, देखिए, अभी बोला है कि ली, वैसे ली का दीर्घ होता नहीं है कभी, लेकिन वेदों में अगर कहीं होता है तो वो वेदों की बातें हम नहीं पढ़ेंगे उसमें। और बाकी ये कह रहा है कि ए, ऐ, ओ और औ ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए, ए किससे मिलकर बना होता है, आपको पता है, अ और ई से मिलकर बना होता है। ई किससे मिलकर बना होता है, अ प्लस ए से मिलकर बना होता है। ओ किससे मिलकर, जब आप संधि करते हो तब आप ये चीज़ें करते हो, ओ बना होता है अ प्लस ऊ से, और औ बना होता है मेरा अ प्लस ओ से, क्या बन जाता है, औ। अभी देखिए, ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाते हैं, और ये हमारे, सॉरी, ये गुण संधि में, और ये हमारे आ जाते हैं वृद्धि संधि के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं प्लुत स्वर। ये देखिए, यहाँ आपको उदाहरण दे रखे, और ई मिलकर ए बन गए, ये मैंने आपको जैसा बताया बिल्कुल वैसे दे रखे हैं। प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगता है, उसे हम क्या कह लेते हैं, प्लुत स्वर। और इनका एक चिन्ह होता है कि किसी भी के आगे ऐसे लगे होते, जैसे मैंने बोला ओम, है ना, या संस्कृत में पढ़ते हो, यहाँ आपको ऐसे दिखता नहीं है, बाकी की ये देखिए ऐसे ओम, तो ये जो पीछे लगा हुआ है ना, ये क्या है, प्लुत। आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है ओम बोले में, है ना, तो ज़्यादातर वेदों में और वहाँ प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसको इतना ज़्यादा पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि सभी जो स्वर होते हैं, इनके ह्रस्व, दीर्घ हो या प्लुत स्वर हो, इनके अनुनासिक और निर्ननुनासिक भेद होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अनुनासिक, जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता लेके जाती है, उसे हम कहते हैं अनुनासिक। देखिए, जैसे मैंने बोला आ, जो चंद्रबिंदु का चिन्ह होता है, यही हमारा क्या होता है, अनुनासिक होता है। जब हम इनको बोलते हैं या किसी भी वर्ण के साथ में इनका उच्चारण करते हैं, तो इनका क्या करना है, हमें नाक से भी इसकी ध्वनि हमें निकालनी पड़ती है। ये देखिए, निरनुनासिक, जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होते हैं, उसे हम कहते हैं निरनुनासिक। यानी कि मैंने बोला अ, अब इसके ऊपर चंद्रबिंदु नहीं है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं नाक से स्वर निकालूं, लेकिन चंद्रबिंदु लगते ही मुझे नाक से स्वर निकालूंगी, तो अनुनासिक और निरनुनासिक जो मुख से बोले जाते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद में हम व्यंजन, जिनको हल भी कहा जाता है, यानी कि महेश्वर सूत्रों के 5 से लगाकर 14 तक हमारे क्या है, सारे के सारे व्यंजन हैं जिनको हल कहा जाता है।
अब जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं और स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए हम वर्ण के नीचे क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। ये इसका मतलब इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, इसके अंदर स्वर नहीं है, है ना। और जब स्वर होगा तो ये पूरा क लिखा जाएगा ऐसे, है ना। अगर याद आए तो इसमें हम अ मिलाएंगे तभी ये पूरा क बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, है ना। जैसे देखिए उसके बाद में जो संपूर्ण तालिका है जो व्यंजन की, वो इस तरह से कू चू टू तू पू, यानी कि कू यानी क ख ग घ ड़ क वर्ग, चू यानी च छ ज झ ण ट वर्ग वर्ग, है ना, ट ठ ड ढ ण यानी टू वर्ग, त वर्ग और पू वर्ग, ये हम पहले भी कर चुके हैं। व्याकरण संप्रदाय में इन पांचों वर्गों को कू चू टू तू पू नाम से जाना जाता है। मैं आपको पहले भी पढ़ाती हूँ, कू चू टू तू पू बोलने से मेरे ये पांचों वर्ण अपने आप आ जाते हैं, मुझे बार बार ऐसे क ख ग घ ढ बोलने की जरूरत नहीं है, कू चू टू तू पू बोलती हूँ तो अपने आप पांचों वर्ण हो जाते हैं। उसके बाद में आते हैं य र ल व, इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन, और श स स ह इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। उसके बाद में इनको भी अगर अलग करें तो ये जो पांच वर्ण है ये कहलाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, यानी क से लगाकर म तक, यानी क से लगाकर ये म तक मेरे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब इनको उच्चारण किया जाता है तो इनके जो इनका जो जीवा है वो हमारे मुख को थोड़ा सा स्पर्श करती है ना, जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। और प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है ड ण नम, ये अनुनासिक भी कहा जाता है और इनका उच्चारण मुख के साथ साथ में नासिका से भी किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। और ऊष्म व्यंजन स श स ह वर्णों को ऊष्म, यानी कि जो मैंने शॉर्ट में दिया था उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है जो आपको लिखना है। उसके बाद हम आते हैं अनुस्वार, हमें पता है कि इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है, यानी कि जब मैं किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदी लगा देती हूँ तो ये मेरा क्या है, अनुस्वार है। अब सबको पता है यानी कि आधा म ये क्या होता है, अनुस्वार होता है। यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है, यह हमेशा स्वर के बाद में आता है। जैसे अहम, ये देखिए अह, सामान्यतः म व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए अहम लगा हुआ है, ये पूरा म से ही अनुस्वार बनता है। उसके बाद में देखो टर्म से विसर्ग, जो हम पहले पढ़ते हैं, विसर्ग का मतलब होता है किंचित ह के सदृश दिखाई देता है, इसका भी प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। जैसे देखिए कोई भी है वर्ण कह, है ना, तो ये स्वर के बाद, जैसे राम देव गुरु, क्यों स्वर के बाद क्यों लिखा है कि आपको पता है कि मैं आधा वर्ण लिखूंगी तो इसके पीछे तो विसर्ग आएगा नहीं, ना इसके ऊपर कोई अनुस्वार आ सकता है। जब मैं क प्लस पूरा क बना लूंगी तभी तो इसके पीछे विसर्ग लगाऊंगी, यानी कि जो विसर्ग और अनुस्वार हैं ये हमेशा स्वर के पीछे आते हैं, और स्वर आपको पता है कि हमेशा व्यंजन के अंदर मिला हुआ होता है तभी तो आएगा ना, ये स्वर जो है वो व्यंजन में हमेशा मिला होता है, इसीलिए जैसे मैंने लिखा राम तो र आ म फिर विसर्ग लगा हुआ है। जैसे मैंने बोला कंठ तो क फिर ये न की मात्रा है फिर ये कंठ है, वैसे ही। उसके बाद में देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, दो व्यंजनों के संयुक्त से बने वर्ण को हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। देखिए जैसे श किससे बना है, क प्लस श से, जैसे संयुक्त स्वर था वैसे ही संयुक्त व्यंजन, जैसे अ प्लस ई से ए मिल रहा था वैसे ये त और र यानी कि त्र बना, ज और न से मिलकर ज्ञ बना, ये आपको याद करने हैं। चलिए तो आपका जो वर्ण विचार का टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया है, फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।